दोस्तों, कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉयलेट एक भूतिया कथा, जिसमें नरेश जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो टॉयलेट जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए। किस कारण, वो आपको इस कहानी में पता लगेगा। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही डरावनी, बहुत ही रोमांचक और अतरंगी है। इसमें आपको हंसी भी आएगी, डर भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, ये कहानी है 15 साल पहले की। नरेश जी, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनकी नई नई शादी हुई थी। 4 महीने बीत चुके थे। जो ससुराल वाले थे वो कह रहे थे कि आप यहाँ आकर जाइए, हमारे यहाँ रिवाज है कि दामाद जब आता है ना, बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। लेकिन जो नरेश था वो थोड़ा सा अड़ियल था, थोड़ा पुराने ज़माने का था कि मैं ससुराल नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं पर सबको मिलूँगा, कहो पूरे गांव वाले पहले यहाँ आए मुझे बुलाने के लिए। उसकी पत्नी का जो मायका था वहाँ से सरपंच, उसके पिता, घर वाले सब यहाँ आए नरेश को बुलाने के लिए। अब नरेश हो गया खुश। इसके बाद नरेश कुछ दिनों बाद अपने ससुराल गया। जब वो ससुराल पहुँचे, ये एक तो सफ़र काफ़ी लंबा था, उनकी शादी काफ़ी दूर दूर हुई थी, इसीलिए वहाँ पहुँचने में 6 से 7 घंटे लग गए। ये वक्त हो गया था शाम के 7 बजे का। नरेश जी वहाँ पर पहुँचे। अब वहाँ जब गांव में पहुँचे तो ढोल नगाड़े से स्वागत किया गया कि दामाद जी आए हैं हमारे यहाँ पर। सरपंच भी वहाँ पर फूलों की माला पहना रहे। अब नरेश खुश हो गया था कि ठीक है, अब स्वागत तो काफ़ी अच्छे से हुआ है। वो थोड़ा अड़ियल था, वो दिखाना चाहता था कि मैं दामाद हूँ, देखो अच्छे से सेवा नहीं की तो मैं बहुत बुरा भला बोलूँगा, मैं लड़की को यहाँ छोड़ जाऊँगा। थोड़ा अड़ियल था, ऐसा था कि बस खुद की जैसे तारीफ करवाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। गलती से सामने वाला कुछ कह दे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। वो खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझता था, बाकी था वैसा ही अनपढ़, यानी 2 दूनी 5 वाला। अब वो वहाँ पर पहुँच गया था, कुछ समय वहाँ पर बैठे, बातें चली, खाने का सामान आया। अब दामाद जी पहली बार आए थे तो खाने का सामान भी हर तरह का, जो भी गाँव में उपलब्ध था, सब नरेश जी के सामने रख दिया गया। अब नरेश एक एक करके उठा रहा, अकड़ के साथ खा रहा, इसमें थोड़ा नमक कम है, इसमें थोड़ी मिर्ची कम है, मिर्ची ला कर दो, ये ला कर दो, वो ला कर दो, इस तरह हर चीज़ को एक एक करके टेस्ट करता रहा। जानबूझकर नमक कम है, ज़्यादा नमक डलवाता, भले ही स्वाद ना लगे लेकिन खुद को बेहतर बताना है। अब किसी में मिर्ची तेज़ थी, जानबूझकर मिर्ची तेज़ और डलवाई और उसे खाया। मिर्ची बहुत लगी लेकिन खाया उसने। अब 9 बजे उसका पेट बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा। अब वो जिस गांव में रहता था ना, वहाँ पर भी टॉयलेट बने हुए थे, लेकिन वो घर में टॉयलेट नहीं जाता था। उसका मानना था कि हम कुदरत में जैसे रहते हैं वैसे ही रहना हमें चाहिए, हमें ब्रश नहीं करना चाहिए, हमें धातु नहीं करनी चाहिए, घर में टॉयलेट बनाना सही नहीं होता, हमें खेतों में ही जाना चाहिए। अब रात के 9-10 बजे पेट दुखने लगा, मिर्ची इतनी ज़्यादा खाई थी, अब उसे टॉयलेट के लिए जाना था। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसकी पत्नी कहने लगी, आप कहाँ जा रहे हैं, काफ़ी अंधेरा हो चुका है। उसने कहा, मुझे खेतों में जाना है, पेट मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, रोको मत मुझे, प्रेशर बहुत बन रहा है, मुझे खेतों में जाना है। अब नरेश के ससुर आ गए कि यहाँ हमने टॉयलेट बनवाए हुए हैं, वो देखिए सामने, आपके लिए बहुत अच्छे हमने टॉयलेट बनवाए हुए हैं यहाँ पर, आप वहाँ जाइए। तो उसका कहना था, घर में टॉयलेट नहीं बनवाते, मैं वहाँ नहीं जाने वाला, मैं जाऊँगा कुदरत की गोद में। अब उसके ससुर कहने लगे, मत जाइए, बहुत अंधेरा है और अंधेरे में वहाँ जाएंगे जानवर भी होते हैं। अब नरेश कहने लगा, आप गांव में जानवरों को आने देते हैं, कैसा गांव है आपका, आप रोक नहीं सकते। अब ससुर कह रहे, जानवरों को कौन रोकेगा, अब उसे स्कूल में लगवा दें, पढ़ाएं लिखाएं जानवरों को कि यहाँ नहीं आना है, अब जानवर तो आएंगे, वहाँ पीछे खाली जगह है, वहाँ जानवर आते हैं। नरेश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, थोड़ा चिढ़ गया था, अब क्या करें, सब कह रहे थे मत जाइए मत जाइए, यहीं पर अंदर जाइए। अब प्रेशर इतना बना हुआ, वो घर के उस बाथरूम में गया लेकिन बुड़बुड़ करता रहा। रात को सोया, अब सुबह के वक्त उसे आदत थी, वो 4 बजे उठा करता था, 4 बजे उठकर आगे वाले खेतों में या जंगल में जाया करता था। आज सुबह भी बीवी को 4 बजे उठाकर कहने लगा, लोटे का इंतज़ाम करो, लोटे में पानी भरकर मुझे पकड़ाओ, जल्दी से पत्नी धर्म निभाओ और लोटा पकड़ाओ, मुझे जाना है। अब उसकी पत्नी कहने लगी, घर में टॉयलेट बना तो है, रात को गए हैं, अब भी जाइए। तो वो गुस्से में कहने लगा, देखो इस गांव में इतनी ज़्यादा बेइज्जती महसूस कर रहा हूँ ना मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मैं वहाँ जाऊँगा। तुम्हें पता है ना, हम राजाओं के खानदान से हैं और हम राजा हुआ करते हैं, और राजा जो चाहते हैं वही करते हैं,
राजा उस जमाने में कोई टॉयलेट सीट घर में नहीं बनवाया करते थे, बाथरूम नहीं बनवाया करते थे, खेतों में जंगलों में जाया करते थे, शिकार किया करते थे। मैं भी जंगलों में ही जाऊंगा। अब वो शिकार करने के लिए नहीं जा रहा था, गंदगी छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन पत्नी से जिद करता गया। पत्नी ने लोटा दे दिया। जैसे ही बाहर निकलने लगा, अब उसके ससुर बाहर पलंग डालकर सोया करते थे, घर की रखवाली के लिए भी। अब दामाद जी आए हैं, कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो जो दरवाज़ा था ना घर के बाहर वाला, वहाँ अपना पलंग डालकर सोया करते थे। अब उनके पास से गुजरना था। जैसे ही लोटा पकड़कर जो नरेश था वहाँ से गुजर रहा, उसके ससुर की आँख खुल गई और उसके ससुर कहने लगे, अरे दामाद जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो नरेश कहने लगा, मैं जा रहा हूँ पीछे वाले खेतों में, वो पीछे वाला जंगल है ना, सुबह सुबह मुझे खेतों में जाना ही पसंद है। अब टॉयलेट रात को चला गया, आपकी बात मान ली, अब तो ये दिन का वक्त है ना। ससुर कह रहे, दिन का वक्त नहीं, अभी अंधेरा है, यहाँ दिन तो 6:30 बजे चढ़ता है ना, इतनी सुबह वहाँ जाएंगे, अंधेरा है, जानवर घूम रहे होते हैं। अब वो गुस्से में आ गया, मैं दोबारा यहाँ नहीं आने वाला, सामान अभी पैक करूँगा, अभी निकल जाऊँगा, अब बहुत तंग करते हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे जंगल में जाना है, खेतों में जाना है, तो मैं जाऊँगा। अब उसके ससुर समझाने लगे, देखिए वहाँ पीछे वाली जगह में मत जाइए, कोई वहाँ नहीं जाता, कहते हैं वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, इसीलिए सबने घर में बाथरूम बनवा लिया है, यहाँ आपको कोई एक घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर बाथरूम नहीं है। ये सुनकर नरेश और ज़्यादा चिढ़ने लगा और कहने लगा, आप मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं, मतलब हम जो करते हैं वो गलत हैं, आपके गांव वाले जो करते हैं वो सही हैं, घर में टॉयलेट बनाना सही है। उसके ससुर ने कहा, हाँ बार बार कौन खेतों में जंगलों में जाए। इससे नरेश चिढ़ गया, इसका मतलब आप हमें गलत कह रहे हैं, हम राजाओं के परिवार वाले घर में टॉयलेट नहीं बनाते, बाहर जाते हैं, हम गलत हैं, आप घर में बनाते हैं, आप सही हैं, घर के अंदर गंदगी डालते हैं, आप सही हैं। वो लड़ने लगा और उसके बाद कहने लगा, अब डराने के लिए कहानियां बना रहे हैं, मैं रुक नहीं रहा तो भूतों की कहानियां बनानी शुरू कर दी। उसके ससुर कहने लगे, झूठ नहीं ये सच है, वहाँ पर भूत प्रेत नज़र आते हैं और जो भी वहाँ रात को नज़र आ जाए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब जो नरेश था वो मान नहीं रहा, उसने बहुत ज़्यादा ज़िद की और कहने लगा, हम राजाओं के परिवार के हैं, राजा भूत को तलवार से काट कर डालते हैं, इस तरह चारों तरफ बिखेर देते हैं। अब उसके ससुर क्या कहते, दामाद गुस्सा हो गए थे, दामाद को मनाना था, ठीक है आप जाइए, हम आपके साथ आते हैं। तो नरेश कहने लगा, आप साथ क्या आएंगे, मैं वहाँ पकौड़े तलने जा रहा हूँ, जो उठाने के लिए आएंगे, वहाँ मैं अकेला जाऊँगा। अब उसके ससुर भी सोचने लगे कि दामाद जी गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन उनको खतरा भी हो सकता है, लेकिन दामाद जी जिद कर रहे हैं तो कर क्या सकते हैं। अब नरेश वहाँ चल पड़ा आगे की तरफ, गांव से बाहर निकलकर साथ में जंगल लगते थे। अब वो जंगल में काफ़ी आगे गया, वहाँ खेत खत्म हो गए थे। अब काफ़ी आगे जो खेत थे वहाँ कुछ लगा हुआ नहीं था, लेकिन ज़मीन किसी की थी, वो इस तरफ लोग आया नहीं करते थे, कहते हैं भूत हैं या इस तरह, यहाँ कोई फसल नहीं थी, वह ऊबड़ खाबड़ मिट्टी सी बनी हुई थी। तो ऐसी एक मिट्टी का ठीला वो ढूंढने लगा जिसके पीछे छिपकर ये ऐसा काम किया जा सके। तो हाथ में लोटा पकड़े हुए, सफ़ेद रंग की धोती पहने हुए, वो ढूंढ रहा ऐसा इलाका जहां पर ये कार्यक्रम किया जा सके। ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंच गया, वो काफ़ी आगे निकल चुका था। अब उसने आगे देखा, जो ज़मीन है ना वो नीचे की तरफ थी। अब कुछ तारों में दिख जाता है क्या है, पेड़ किस तरफ हैं, कितने पेड़ हैं, वहाँ एक बड़ी सी चिमनी। अब चिमनी को देखकर ऐसा लगा कि ये कोई ईंट का भट्टा हो। अब जो ईंट के भट्ठे होते हैं वहाँ ईंटें बनाई जाती हैं और ज़मीन से जो मिट्टी निकाली जाती है उससे ईंटें बनती हैं, तो जो ज़मीन होती है सपाट नहीं होती, क्योंकि अंदर से मिट्टी निकालते गए तो नीचे की तरफ खड्डा बनता चला जाता है। पूरे कई खेत होते हैं जो नीचे की तरफ ऐसा लगता है जैसे उनसे मिट्टी निकाली जा चुकी है, कोई तालाब हो काफ़ी गहरा, ऐसे बने होते हैं। अब ऐसी ज़मीन थी आगे वाली, वहाँ बड़ी सी चिमनी निकली हुई। अब उसे लगा, वहाँ आगे तो जा नहीं सकता भाई, नीचे थोड़े ना उतरूंगा खड्डे में, वहाँ मुझे क्या फ़ायदा, अब यहीं पर यह कार्यक्रम करता हूँ, दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई जानवर नहीं है, खतरा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अब इसके बाद लोटा उसने वहाँ पर रखा, जैसे ही ज़मीन पर बैठने वाला था तभी उसने देखा सामने से एक आदमी भाग कर इस तरफ आने लगा। अब चाँद तारों की रोशनी में इतना ज़रूर नज़र आ रहा था कि वो आदमी कैसा है, दूर दूर तक ठीक ठीक दिख रहा था। अब वो जो आदमी था ना वो इस तरफ भागा चला आ रहा, रुक रुक अभी तुझे बताता हूँ, ये कहता हुआ भागता हुआ चला आ रहा। अब जो नरेश था घबरा सा गया, नरेश ने जल्दी से लोटा पकड़ा और वो उठकर देखने लगा, क्या कर रहा है ये आदमी, मुझे रोक रहा है यहाँ ये कार्यक्रम करने से। तब उसने देखा उसने एक तलवार पकड़ी हुई, वो चमकती हुई तलवार, और वो ऐसे ऐसे नहीं भाग रहा था,
वो ऐसे तलवार ना आगे की तरफ करके ऐसे भाग रहा था कि बस घुसा देगा अगर इसने कुछ किया। नरेश घबरा गया, भाई अगर मैं यहाँ कुछ करूँगा और ये तलवार ऐसे लेके आ रहा है, घुसा ना दे। तो जल्दी से उसने लोटा पकड़ा और लोटा पकड़कर पीछे की तरफ भागने लगा, बहुत दूर भागा वो। तब जाकर वो आदमी वहाँ रुका, इसके बाद नरेश वापस। अब नरेश आ गया था जो गांव की पगडंडी होती है ना वहाँ पर, अब वहाँ पर सैर करने वाले कई लोग। अब यहाँ वो ये कार्यक्रम तो कर नहीं सकता था, वो गुस्से में आ गया, वो चिढ़ गया, ये कैसे गांव वाले हैं, मुझ पर हमला करने की कोशिश की एक इंसान ने। अब इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ, अब उसके पेट में प्रेशर भी बनने लगा था, अब उसे जाना था कहीं। यहाँ महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, अब वो घूम रहे, सैर कर रहे, सुबह सुबह वहाँ छोटी सी पार्क बनी हुई, अब उस पार्क में तो वो जा नहीं सकता था, अब यहाँ कर नहीं सकता था, भाई औरतें देखेंगी, इससे शर्मिंदगी होगी। तो बहुत गुस्से में चिढ़ा हुआ ढूंढता रहा, कोई जगह नहीं मिली, लोटे का पानी एक तरफ फेंका, लोटा हाथ में पकड़ा, उसके बाद भागा सीधा घर की तरफ। अब प्रेशर इतना था कि वो चलकर घर नहीं जा सकता था, भागकर पहुंचना था। भागकर घर पहुंचा, अंदर गया वो टॉयलेट में, तब जाकर उसको सुकून मिला। और जब वो टॉयलेट से बाहर निकला तो उसके जो ससुर थे वो उस पलंग पर बैठे मुस्कुरा रहे, था अब भी अंधेरा। अब जो ससुर थे उन्हें मुस्कुराते हुए देख जलन होने लगी नरेश को, वो इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ वो ससुर को बोलने लगा, गांव में कोई इज्जत नहीं है, खाना अच्छा नहीं दिया आपने, पेट खराब कर दिया, गांव में मुझे मारने के लिए लोग आ रहे हैं, अच्छे गांव वाले हैं, सुबह निकलेंगे हम। उसने अपनी बीवी को कहा, दोबारा हम यहाँ कभी पैर नहीं रखेंगे, मैं यहाँ नहीं आना चाहता। अब ससुर पूछने लगे, क्या बात हो गई, किसने मारा, हमें बताइए, हम देखते हैं। तो उसने कहा, वो जो भट्टा है ना, उस भट्टे से एक आदमी तलवार लेकर मेरी तरफ भाग आ रहा था, उसे पता था मैं क्या करने वाला हूँ, इसीलिए तलवार भी उसने ऐसे पकड़ी हुई थी। अब ससुर हंसने लगे, नरेश और ज़्यादा चिढ़ने लगा। अब जैसे जैसे वो बता रहा था, उसके ससुर हंस रहे थे और नरेश चिढ़ रहा था, तो नरेश कहने लगा, अब हंस क्यों रहे हैं, अब मैं उसे पकड़ूंगा, उसे पीटूंगा, तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। उसके ससुर ने कहा, पकड़ेंगे किसे, इंसान हो तो पकड़े ना, मैं बुलाता हूँ सरपंच को, सुन लीजिए उससे खुद, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं जो लोगों को नजर आते हैं, वहाँ कोई भी इस तरह टॉयलेट करने के लिए उस इलाके में नहीं जाता, कहते हैं कि वहाँ वो नज़र आते हैं और लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, तभी घरों में सबने टॉयलेट बनवा रखे हैं, पहले लोग भी खेतों में ऐसे जाते थे, लेकिन उस भट्टे में कुछ हुआ जिसके बाद वो भूत प्रेत नज़र आने लगे, उसके बाद लोगों को घरों में वो टॉयलेट बाथरूम बनाने ही पड़े। अब उसे लगा, ये कहानियाँ बना रहे हैं, ये ऐसी कहानियाँ बना रहे हैं ताकि मैं वहाँ पर ना जाऊँ, पहले तो किसी ने बताया नहीं गांव में भूत है, अभी भूत कैसे पैदा हो गए। इसके बाद वो अपने ससुर से बहस करने लगा, जो उसकी पत्नी थी वो नरेश को समझा रही। अब उसके ससुर भी कह रहे, अगर जिंदा होते तो हम पकड़कर पीटते कि हमारे दामाद को मारने की कोशिश की है। इसके बाद जो नरेश था ना, उसने अपने ससुर को ये बात बताई। अब ससुर ने बताई बात सरपंच को, सरपंच वहाँ दो लोगों के साथ आ गया। अब कई लोग, नरेश उन्हें लेकर सीधा गया भट्टे की तरफ। अब वो भट्टा जो था वो उसके पास पहुंच गए। अब वहाँ देखने लगे तलवार वाला आदमी, उन्होंने भट्टे के आसपास देखा, वहाँ कोई आदमी नहीं। अब आगे तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे झाड़ियाँ बनी हुई, भट्टा नीचे था लेकिन वहाँ गंदगी भी थी, लोग कुछ कचरा वहाँ पर फेंक दिया करते थे। वो देखने लगे वहाँ तो कोई मौजूद नहीं। जो नरेश था बहुत ज़्यादा चिढ़ गया, क्योंकि किसी ने उसे डराया था, इस तरह उसकी धोती आदि खुली थी, उसे पकड़कर उसे भागना पड़ा था, और जो कार्यक्रम करने आया था वो करने नहीं दिया था, वो खुद को राजाओं के खानदान का समझता था, उन्हें कोई कह नहीं सकता। तो अब उसके अहम पर चोट लगी थी, और वहाँ से बुड़बुड़ करता वो वापस आ गया। पूरा दिन ना अच्छे से खाना खा रहा, ना किसी से बात कर रहा, अपनी बीवी से भी सीधे मुँह बात नहीं कर रहा। यहाँ से वो जाना चाहता था, सभी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ चलते हैं भट्टे में, उसे पकड़ेंगे, अब पकड़ नहीं हुआ तो गुस्सा निकाले किस पर, अगर बेवजह यहाँ से जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा कि डर कर भागा है। अब पूरा दिन सोचता रहा, चिढ़ा रहा। शाम को उसने कहा, मुझे लंबा चाकू दीजिए, तेज धार चाकू। अब उसके जो ससुर थे कहने लगे, अब चाकू का क्या करेंगे। उसने कहा, मुझे चाकू चाहिए, मैं आत्मरक्षा के लिए चाकू रखना चाहता हूँ। अब उसके ससुर ने पास के किसी घर से तेज धार, जो जैसे घास काटी जाती है ना आगे का, तोड़ के वो चाकू बनाकर उसे पकड़ा दिया, तेज धार करके, ये लीजिए चाकू आत्मरक्षा के लिए, आपको लगता है आपको इस गांव में खतरा है तो ये रखिए, बाकी कभी कोई परेशानी हुई किसी को भी बताइए, दामाजी आपको परेशानी गाँव वाले नहीं होने देंगे। ये सुनकर वो रात बुड़बुड़ करता सो गया, उसने पत्नी से बात तक नहीं की। सुबह सुबह 4 बजे उठने की आदत,
जैसे ही वो उठा, लोटे में पानी भरा, पत्नी ने कहा मत वहां जाइए, उसने कहा अब तो चाकू है मेरे पास, ले आए तलवार। चाहे वो दो दो तलवारें लेके आए। हमारे घर में कहानियां सुनाई जाती हैं, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे ना, वो हाथ में औजारों के साथ हजार हजार लोगों को मार दिया करते थे। मैं उससे नहीं निपट पाऊंगा, बस हथियार नहीं था मेरे पास, आज मेरे पास चाकू आ गया, उस तलवार वाले को छील के रख दूंगा। ऐसे गुस्से में वो घर से बाहर निकले। अब चाकू ऐसे चमकता हुआ लेकर निकले थे तो ससुर जी कुछ नहीं बोले कि अब दामाद जी के पास वो चाकू है, ठीक है, जहाँ जाना चाहते हैं हम रोकेंगे नहीं, ये गुस्सा बहुत करते हैं। नरेश लोटा लिए, हाथ में चाकू लिए, उसके बाद चला जा रहा। कुछ लोग डरने लगे, अंधेरे में इस तरह हाथ में कुछ पकड़ा हुआ, भाई एक हाथ में चाकू पकड़ा, कई औरतें डर कर इधर उधर भाग रही। अब उसे लगा भाई ऐसे तो गड़बड़ होगी ना कि मैं लोगों को डरा रहा हूँ, ये तो मेरे लिए भी सही नहीं है। तो उसने वो जो चाकू था यहाँ धोती बांधी हुई धोती में फंसा लिया। अब लोटा लेकर वो चला। अब वो धीरे धीरे उस पगडंडी से आगे निकल गया। उसके बाद वो पहुँच गया उस भट्टे के पास, वो जंगली इलाके में बहुत ज़्यादा दूर, वहाँ तो कोई आता जाता तक नहीं था। ढूंढने लगा कोई इलाका, तब उसे लगा यहाँ टीले वीले हैं ना, उसके पीछे अच्छे से ये प्रोग्राम किया जा सकता है, कोई देखने वाला नहीं। अभी उसे पेट में प्रेशर भी नहीं आया था, तो वो सोच रहा था, उसे चिड़ चढ़ी हुई थी, इसीलिए बॉडी का सिस्टम भी सही नहीं था, रात को सोया बहुत लेट था, इसीलिए वहाँ पर वो कुछ समय बैठना चाहता था, लेकिन फिर सैर करने लगा क्योंकि बात बन नहीं रही थी। तब उसे नज़र आया जो सामने एक आदमी था ना, उसने देखा वैसे कपड़े पहने हुए, अब एक तरफ तलवार पकड़ी हुई। अब उसे समझ में आ गया, ये था साला कल मेरे पीछे भागा था, तलवार तो ऐसे लेके भागा था कि बस सारा प्रोग्राम खराब कर देगा, अब इसे पकड़ूंगा मैं। इसके बाद जो नरेश था ना, उसने लोटा आराम से नीचे रखा, उसके बाद चाकू निकाला, यहाँ से धोती खुलने वाली थी, उसे एक हाथ से पकड़ लिया। इसके बाद इतना गुस्से में था, धोती बांधता उससे पहले ऐसे एक हाथ से धोती पकड़ी, एक हाथ से चाकू पकड़ा, उस तरफ भागने लगा कि अब मैं इस पर हमला करूँगा, राजा पहले हमला करते हैं। ये सोचकर वो आगे की तरफ भागा और वो आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ। जैसे ही उसने देखा ना कि एक पागलों की तरह चाकू लेकर मेरी तरफ भागा रहा है, वो आदमी घबरा गया, वो पीछे बैठ गया और उसके हाथ में जो था एक तरफ गिर गया, उसने हाथ खड़े कर दिए। अब उसने हाथ खड़े कर दिए थे, अब उसने कुछ किया थोड़े ना था, उसने भी तो डराया ही था, अब नरेश ने भी डरा दिया, अब हमला करना बनता नहीं था। तो जो नरेश था पास पहुंचकर उसने चाकू मारा नहीं, ऐसे रुककर गालियां निकालने लगा, साले कल तूने मुझे मारने की कोशिश की, तू पीछे भागा, क्यों भागा था, यह तलवार मेरे पेट में घोंपना चाहता था या कहीं और घोंपना चाहता था, क्यों मेरे पीछे आया था। अब नरेश उसको इस तरह से कन्फ्रंट करने लगा। वो जो आदमी था वो ऐसे हाथ खड़े करके कहने लगा, देखे भैया कल आपको जिस हालत में मैंने देखा ना, यहाँ किसी को भी हम ये चीज़ें करने नहीं देते, गांव में सबके घर में बाथरूम बने हैं, यहाँ इन इलाकों में ना किसी को आने नहीं देते। तो वो कहने लगा ये खेत तेरे हैं, ये पूरा इलाका तेरा है। उसने कहा नहीं, मेरे तो वो पीछे वाला इलाका है, वो भट्टा है। तो नरेश कहने लगा मैं वहाँ जाना चाहता हूँ तो जाना चाहता हूँ, तू रोकने वाला कौन होता है और तलवार लेकर पीछे क्यों भागा। अब वहाँ करीब से देख रहा था, अब इस बार जो चांद था, पूर्णिमा की ये रात थी, चांद एक तरफ से जैसे साफ नज़र आ रहा, कोने से काफ़ी रोशनी थी वहाँ पर। अब वहाँ उसने देखा कि जो नीचे तलवार समझ रहा था वो तलवार नहीं थी, वो लकड़ी ऐसी थी जैसे लंबी तलवार सी बनी हुई हो, नीचे से गोल ऐसे पकड़ने में ऐसा लग रहा था तलवार हो, असल में वो तलवार नहीं थी, वो डंडा था, वो डंडे से डराने के लिए आ रहा। ये देखने के बाद जो नरेश था पहले तो शर्मिंदा हो गया, भाई डंडे से डरा दिया और मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाया, इसके लिए स्पेशल मैं ये तेज धार चाकू लेके आया, आधी तलवार जैसा। अब नरेश थोड़ा सा मचला सा हो गया, उससे जैसे बोला नहीं जा रहा, वो शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा चल कोई बात नहीं, अब दोबारा इस तरह से मत करना, देख मैं यहाँ का दामाद हूँ, नया आया हूँ। अब वो आदमी बातें करने लगा, अच्छा कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो। तो उसने कहा ऐसे मैं सुबह बाहर निकलता हूँ, हम राजा हैं, हम खेतों में जंगलों में जाते हैं, ऐसे ही छोटे से कमरे में नहीं जाते। अब वो कहने लगा नहीं, यहाँ मैं करने नहीं दूंगा, देखिए भाई साहब ये जगह सही नहीं है, यहाँ नहीं किसी को करने दिया जाता, मैंने सुना है यहाँ भूत प्रेत हैं, बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। तो नरेश कहने लगा अब तू भी, अब तू मत शुरू हो यार, अब तूने ना डराया होता ना तो मेरा कार्यक्रम तो अच्छे से हो जाता, तूने डराया, कोई भूत नज़र नहीं आया। इसके बाद वो आदमी कहने लगा हाँ वैसे नज़र तो मुझे भी नहीं आया, कहानियाँ तो मैंने भी सुनी है। अब दोनों में जैसे दोस्ती हो गई। अब जो नरेश था भी प्रेशर नहीं बना था तो वो उसे बातें करने लगा, उसने सोचा कि चलो यहाँ आदमी मिल गया ना, अकेले मैं घूमूंगा क्या बात बनेगी, इससे कुछ बातें करूँगा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है।
पाँच मिनट वो बातें करता गया। उसके बाद नरेश ने पूछा, तू यहाँ क्या करता है झाड़ियों में? तो उसने कहा, ये पीछे वाला भट्टा मेरा है, काफ़ी समय से बंद है, यहाँ कोई घर नहीं बन रहे। अब गांव वाले गरीब, बहुत गरीब, बहुत ये अजीब से हैं, जेब से पैसे नहीं निकालते, कंजूस, पूरे अंत के कंजूस हैं ये। वो कहने लगा, हाँ यार मेरी शादी भी यहाँ पर हो गई, दहेज में कुछ नहीं मिला, घटिया घटिया चीज़ें, मेरा ससुराल भी कंजूस है। इस तरह दोनों में बात चली। फिर वो कहने लगा, आओ तुम्हें भट्टा दिखाता हूँ, अच्छे से काम होता है भट्टे में, और बीड़ी पीनी है तो आ जाओ बीड़ी पिलाता हूँ। ये सुनकर जो नरेश था उसे लगा, भाई बीड़ी पीऊँगा तो पेट में अच्छे से गैस बनेगी, अब ऊपर से गैस खींचूंगा तो पेट में गैस भरेगी ना, उससे काम अच्छा होगा। तो वो आदमी के साथ चलने लगा, वो वहाँ नीचे ढलान की तरफ लेकर गया। अब ये जो था 12 से 14 फुट की गहराई थी, इतना नीचे तक खोद खोद के मिट्टी की ईंटें बनाई जा चुकी थी यहाँ पर। अब नीचे जाने से पहले जो नरेश था उसने कहा, रुक यार मैं लोटा लेकर आता हूँ, लोटा वहाँ रखा है, कोई उठा कर ना ले जाए, फिर ससुराल वाले कहेंगे मैं चुरा कर ले आया। नरेश भाग कर गया, वो मना कर रहा था, रुक ना वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ गया, लोटा लेकर आया, अब जो चाकू था आधा फिर से यहाँ पर फंसा लिया। इसके बाद वो नीचे उतरे, बड़ी मुश्किल से नीचे उतरे, आधा पानी गिर रहा, घिसड़ते घिसड़ते नीचे उतर गए। इसके बाद वो आदमी कह रहा, चलो तुम्हें भट्टा दिखाता हूँ, वहाँ बैठने की जगह अच्छी है, बातें करेंगे, बीड़ी पिलाऊंगा, ऐसे तुम्हें घुमाऊंगा, तुमने भट्टा देखा है कभी? नरेश ने कहा, नहीं मैंने नहीं देखा काम कैसे होता है। उसने कहा, चलो मैं बताता हूँ, बातें करेंगे। नरेश साथ में उसके चलने लगा। अब चलते चलते आगे गए। उसके बाद नरेश उसको कह रहा, यार बीड़ी पिला पहले, बाद में सुनाना, बीड़ी पिला अच्छे से ना काम बने। वो कह रहा, पहले जगह तो दिखा दूँ, बीड़ी तो अंदर रखी है, जगह तो दिखा दूँ, बीड़ी तो अंदर रखी है। ये कहते हुए वो वहाँ टूटी फूटी ईंटें पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था ये भट्टा बहुत सालों से यहाँ काम नहीं हुआ, ईंटें पुरानी वाली थी, कुछ मिट्टी की ईंटें बनी हुई जो गली हुई थी, उस पर निशान बने हुए, लेकिन उन्हें सेका नहीं गया था, भूना नहीं गया था आग में। वहाँ ऐसी जगह पर कई जगह कीचड़, कई जगह गंदगी, कई सामान वहाँ गिरा हुआ, कचरा वचरा उसमें से निकालता हुआ बदबू आ रही। यहाँ देखते देखते नरेश निकल रहा, यार बीड़ी तो पिला, ये कहता हुआ अब वहाँ से घुमा फिरा कर, वो जो चिमनी होती है ना जहाँ से धुआं निकलता है, वहाँ मेन भट्टा होता है, उसमें ईंटे वीटे डालते हैं, वहाँ पर ले गया। इसके बाद जो वो आदमी था वो कहने लगा, यार बीड़ी तो अंदर रखी है, यार मैंने सोचा था यहाँ रखी होगी, यहाँ ईंट वीट हिलाई। उसने कहा, यहाँ नहीं यार, भट्टे में अंदर है, और यार भट्टे में मैं थोड़ा सा काम करूँगा, तू ऐसा कर दरवाज़ा खोल, भट्टे के अंदर ना ऊपर ईंट होगी, वो भट्टे के बाहर की तरफ निकली है, उसके ऊपर बीड़ी का पूरा बंडल सा रखा है, माचिस रखी है, बहुत सामान पड़ा है, बस उसी को उठाना। तो वो कहने लगा, तू उठा देना। उसने कहा, यार मैं थोड़ा सा आगे जाके आता हूँ ना, तू उठा ना, मैं आता हूँ। अब जो नरेश था उसे लगा, यार बीड़ी तो पीनी है भाई, ये तो जा रहा है वहाँ, मैंने वहाँ नहीं जाना यार, मैं बीड़ी पीऊँगा। जल्दी से गया उस चिमनी में, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा फंसा हुआ था, जैसे दरवाज़ा फूल जाता है ना तो वो फंस जाता है नीचे से भी, धक्का दिया अच्छे से खुल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से उसने खोला, थोड़ा सा खोला, उसके बाद उसने हाथ अंदर डाला कि वो ईंट पर हाथ लग जाए, अंधेरा बहुत था। इसके बाद वो पूरा अंदर चला गया। अब जब पूरा अंदर चला गया, ईंट ऊपर देख रहा, अंधेरा इतना पता नहीं चल रहा, एक जगह ईंट नजर आई, जैसे ही उसने ईंट के ऊपर देखा कि कोई बीड़ी का बंडल मिल जाए, माचिस मिल जाए, कुछ नहीं था वहाँ, लेकिन जो पीछे वाला दरवाज़ा था वो खींच कर किसी ने बंद कर दिया। जैसे ही खींच कर बंद किया, वो खींच रहा कि दोबारा खुल जाए अंदर की तरफ, वो खुल नहीं रहा। अब उसने भट्टे के अंदर से चीखें मारनी शुरू कर दी, निकालो मुझे यहाँ से, निकालो। अब बाहर उस आदमी की आवाज़ आई, मिल गई बीड़ी, बन गया प्रेशर। अब अंदर से नरेश गुस्से में, अबे तूने दरवाज़ा बंद किया, देख मजाक मत कर, खोल दे दरवाज़ा। उसने कहा, नहीं खोलूँगा मैं दरवाज़ा, नहीं खोलूँगा, तू बाहर निकलेगा तो गंदगी डालेगा, तुझे बाहर नहीं आना चाहिए। अब नरेश गालियाँ निकालने लगा, साले तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, खोल जल्दी से, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, तेरी चिमनी तोड़ दूंगा, पूरी चिमनी तोड़ दूंगा, चाकू मेरे पास है। अब ये कहने लगा, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अब इसके बाद नरेश को आ गया गुस्सा, उसने वो चाकू निकाला, उसे दो तीन बार उस दरवाजे पर मारा, दरवाजे को कोई फ़र्क नहीं, जो वो चाकू था ना, आपको बताया वो घास काटने वाली होती ना, पन्नी सी क्या कहते, पतली सी, उसको आगे को काट के ना ये चाकू बनाया हुआ था, दो तीन बार मारा वो भाई टेढ़ा हो गया। अब उससे दरवाज़ा थोड़े ना तोड़ा जा सकता था, अब चिमनी थोड़े ना तोड़े जा सकती थी, बातें थी उसकी, चिमनी तोड़ दूंगा, कुछ नहीं कर सकता था। जो भट्टा होता है ना, उसके अंदर एक छेद होता है, छेद से नीचे आग लगाई जाती है, और यहाँ से जो आग वाले कुछ कोयले वगैरह डालने की जगह होती है। अब उसे लगा वहाँ से निकलता हूँ। जैसे ही थोड़ा इधर को घूमा वो छेद ढूंढने के लिए, वहाँ अंधेरा था, लेकिन अचानक रोशनी होने लगी, ये लाल रंग की रोशनी थी, लाल पीली सी रोशनी दिखने लगा उसे।
रोशनी तो हो रही थी, उसी के साथ गर्मी भी बढ़ रही थी। अब सुबह सुबह खेतों में थोड़ी ठंडक होती है, गांव शहर से बाहर हवा थोड़ी ठंडी चलती है, दोपहर को गर्मी होती है, सुबह और शाम ठंडा होता है मौसम। यहाँ गर्मी बढ़ने लगी थी, रोशनी बढ़ने लगी थी। अब वो सोचने लगा, भाई ये धुआं धुआं सा चिमनी में कैसे हो रहा? नीचे से आग जला दी थी उस आदमी ने। अब वो आग जलाई उसने, यहाँ से चीखना शुरू हो गया नरेश। उसे लगा, भाई यहाँ से ईंटों को भूना जाता है, वहाँ तो मुझे भून देगा। इसके बाद अब वो माफ़ी मांग रहा अंदर से हाथ जोड़कर, भाई निकाल दे, माफ़ कर दे, कुछ नहीं करूँगा, छोड़ दे मुझे, जाने दे। इसके बाद वो आदमी कह रहा, नहीं तू घर में नहीं जाता, तू तो राजा के खानदान का है ना, बाहर जाएगा खेतों में, बाहर जाएगा जंगलों में, गंदगी फैलाएगा लेकिन घर में नहीं जाएगा। अब नरेश कह रहा, भाई माफ़ कर दे, चला जाऊँगा यहाँ से, यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा। उसने कहा, नहीं अब कुछ नहीं कर पाएगा, अब तो तुझे भूनूंगा। नरेश माफ़ी मांगता रहा, नीचे से थोड़ा थोड़ा धुआं, थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी। तब उसने बाहर से कहा, यहाँ कर जो करना चाहता है, निकाल जो भड़ास निकालनी है अपनी, अब निकाल, हर चीज़ को भून कर उसकी ईंट बनाऊँगा, तेरी भी ईंटें बना दूँगा मैं, जो भी यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी ईंटें बनाता हूँ मैं। अब जो नरेश था चीख रहा, चिल्ला रहा, भाई छोड़ दे मुझे। उसे लगा, ये मुझे सच में मार देगा, मैंने इसके इलाके में आकर गलती की, कल ये तलवार लेकर आया था डराने के लिए, अब मैंने चाकू दिखा दिया, ये डर गया, अब इसने प्लान बदला मुझे यहाँ भूनने का और यहाँ आकर फंसा दिया। नरेश की जैसे एक दिन पूरा दिमाग घूम गया, उसने पूरा सोच लिया, ऐसे ऐसे हुआ, ये मारने का पूरा तरीका ढूंढ गया। उसने कहा, यहाँ से निकलो, अब नीचे से निकलूँगा तो भाई फंसूँगा, अब यहाँ तो आग में कौन जाता है, दरवाज़ा खुलवाऊँगा इससे। उसने कहा, भाई दरवाज़ा खोल दे, भाई दरवाज़ा खोल दे, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊँगा, घर में हमारे वो बाथरूम बना है, मैं वहाँ जाऊँगा, माफ़ी मांगता हूँ, कभी बाहर नहीं जाऊँगा। बहुत माफ़ी मांगी उसने, बहुत माफ़ी मांगी। जो लोटे का पानी था वो नीचे फेंक रहा, आग बुझाए भाई, आग काफ़ी पीछे थी, वहाँ से सिर्फ रोशनी आ रही थी और गर्मी आ रही थी, आग नज़र नहीं आ रही थी, पसीना आ रहा उसे। और माफ़ी मांगते मांगते किसी तरह उस आदमी का जैसे उसके दिल में रहम आ गया और उसने कहा, चल छोड़ता हूँ तुझे, दोबारा कभी लोटा लेके इस तरफ मत आना, अगर तू आया अगली बार छोड़ूंगा नहीं तुझे। उसने कहा, ठीक है भाई माफ़ कर दे। जैसे ही दरवाज़ा खुला बाहर निकला, सांस लेने लगा, भाई बच गया। उसे लगा जलकर मरूंगा मैं, उसने सोच लिया था भयानक मौत होगी उसकी, अब बच गया। अब गुस्से में, पहले तो वो शांत था, खुद को संभाला, फिर आया गुस्से में, साले ने जलाने की कोशिश की, साले ने मारने की कोशिश की, अब इसे बताता हूँ। फिर उसने जो लोटा था ना पकड़कर उसके मारने की कोशिश की, वो आदमी पीछे हो गया, अब लोटा उसने घुमा के मारा, लोटा गिर गया नीचे। अब वो पीछे खड़ा आदमी हंसने लगा, नरेश गुस्से में, कि साले तुझे छोड़ने वाला नहीं, तूने एक तो सारा मेरा शरीर को ख़राब कर दिया, पसीना पसीना हो गया, और सुबह जो मैं कार्यक्रम करने के लिए आया था वो तो जैसे ऊपर की तरफ चढ़ गया, अब तुझे नहीं छोड़ने वाला। अब जो नरेश था उसे पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वो जो आदमी था ना उसने जैसे नीचे कोई गमछा वगैरह कुछ पहना हुआ था नीचे, और ऊपर कुछ नहीं पहना था, जैसे ऊपर से खाली था। अब जैसे ही नरेश ने उसे पकड़ा, उसका जो मांस था ना ऐसे करके हाथ में आ गया, जैसे उसकी चमड़ी के ऊपर कुछ लगा हो, उसका मांस जैसे नरम हो, ऐसे किया हाथ में आ गया, ऐसे पकड़ा हाथ में आ गया, उसको जितना पकड़ रहा उसका मांस गल गल कर हाथ में आ गया। उसने चेहरे पर जैसे ऐसे चमाट लगाई थी तो गाल से मांस हाथ में लग गया और इधर से एक आँख बाहर निकल कर हाथ में आ गई। ये देखने के बाद नरेश एक पल के लिए जो चीखा, वो चीखा और वहीं पर उसकी टांगें कांपने लगी। वो आदमी को दर्द नहीं हो रहा था, वो तो हंस रहा था, वो हंसता जा रहा, आजा मार मुझे। अब नरेश समझ गया, ये इंसान नहीं, ये भूत है, और भूत रोक रहा था, वहाँ खेतों में नहीं जाना है दो नंबर करने के लिए, अब वो सारे नंबर निकालने वाला था। अब नरेश ने पीछे भागना शुरू कर दिया, और वो जो आदमी था ना उसने ज़मीन से वो लकड़ी उठाई जो वो हाथ में पकड़ के रखता था, डंडा। अब नरेश पीछे देख रहा कि एक तरफ से एक तो गला हुआ मांस तो उसके हाथ में था जो उसने ऐसे छोड़ा, हाथ से गंदगी उसके जैसे लगी हुई गंदी बदबू आ रही, और ये बदबू मांस की नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे गटर की बदबू, ऐसी बदबू उसके हाथ से आ रही थी, यानी कि वो आदमी जैसे इसका बना हुआ हो, इतनी गंदी बदबू। और उसके पीछे अब भाग रहा, हाथ में वो जो डंडा था वो डंडा नहीं चमकती तलवार बन गई थी, और फिर से वो भाग रहा, ऐसे ऐसे करके भाग रहा उसके पीछे, और आगे आगे नरेश।
अब नरेश आगे भाग रहा, भाई तलवार घुसाएगा, और जहाँ घुसाएगा वो नहीं चाहता था वो घुसाए, इसलिए नरेश नहीं रुका। वो उस भट्टे में नीचे भाग रहा, ईंटों के इधर गंदगी के ऊपर से चढ़कर वो तलवार लेके उसके पीछे, कभी वो ईंटें जो टूटी हुई थी उसके ऊपर चढ़ता, छलांग लगाता। भाई भट्टे से बाहर निकलना नामुमकिन था उसके लिए। ऐसे जैसे तालाब होता है, नीचे 12-14 फुट नीचे गहरा था वो खड्डा, ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जो मिट्टी थी ना कई जगह ऐसी थी टेढ़ी सी, वो चढ़ रहा तो मिट्टी भुरभुरी सी नीचे खिसक जाती, फिर से नीचे आ जाता। और वो आदमी जो पीछे तलवार ऐसे लिए हुए, इसका मुंह आगे था तो तलवार पीछे से घुसती, इसीलिए वो डर जाता और फिर से अंदर भागने लगता। ऊपर वो चढ़ नहीं पा रहा था, अंदर भाग भाग कर वो थक चुका था। उसे लगा था ये तलवार से मारेगा मुझे, लकड़ी की तलवार बना दी, खुद ये भूत है, जलाकर मारेगा या घुसाकर मारेगा उसे पता नहीं था, लेकिन उसे लगा वो मरेगा। अब नरेश एक दीवार के पास आकर सट गया, सीधा मुंह इस तरफ कर लिया कि भाई सामने से मारे पीछे से ना मारे। अब वो आदमी आया तलवार हाथ में लिए हंसता हुआ, बता आएगा इधर कुछ करने के लिए। अब नरेश ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। अब उस आदमी ने कहा, तू तो राजा महाराजाओं के खानदान से है, तू बंद कमरे में कुछ नहीं करता, तू तो जंगलों में खेतों में ये सब करता है, अब बता आएगा दोबारा। उसने कहा, कौन से राजा महाराजा, मेरे तो सारे पूर्वज पहली जंग में भाग जाया करते थे और कहीं और बसाते थे अपना साम्राज्य, और वहाँ कोई हमला करता वहाँ से भाग जाते, भगौड़े राजा हुआ करते थे जैसे मैं भाग रहा हूँ, माफ़ कर दे मुझे। अब ये कहकर उसने माफ़ी मांगी और वो तलवार लेकर वहीं पर खड़ा। उसने वहाँ नीचे से लोटा उठाया और कहा, उठा लोटा, अब अगर तेरे हाथ में कभी लोटा नज़र आया तो लोटे समेत तेरी वो ईंट बना दूंगा उस भट्टे के अंदर। इसके बाद वो आदमी उसकी आंखों के सामने से गायब। अब इसके बाद 5 मिनट तक वो दीवार से ऐसे ही सटा रहा, वो पीठ दिखाना नहीं चाहता था, उसे लगा वो आदमी निकल कर आएगा, वो तेज़ धार तलवार घोपने की कोशिश करेगा पीछे से, इसीलिए वो दीवार से सटा रहा, हाथ में लोटा पकड़े। कुछ देर बाद हिम्मत उसकी जागी, वो सामने गया, अब भुरभुरी मिट्टी पर कोशिश करता रहा, पीछे देखता रहा वो आ ना जाए, फिर ऊपर चढ़ा, जो वो भागा लोटा लेकर। ऊपर चढ़ने के बाद वो नहीं रुका, सीधा घर में। वक्त ये 5:15 का हो गया था, 1.25 घंटे से उसके साथ जो हुआ था वो किसी को बताने लायक नहीं, वहाँ जो जो हुआ वो बता नहीं सकता था, इतना ज़्यादा शर्मिंदा। घर पहुँचा कमरे में, उसके ससुर कह रहे, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं, किसी ने परेशान किया क्या, वहाँ सब कुछ सही से हुआ? उसने कुछ नहीं बताया, ना अपनी पत्नी को बता रहा, उसमें गुस्सा करने की हिम्मत खत्म हो गई जैसे। उसके बाद जो सुबह के वक्त जब रोशनी हुई अच्छे से, उसको खाना दिया गया, उसे बुखार हो चुका था, लेकिन अब वो खेतों में नहीं घर में जाना चाहता था, जो करता घर में करता। इसके बाद उसके अंदर दहशत इतनी ज़्यादा हो गई कि किसी से अब बहस नहीं करता था, उसे बस बार बार वो आदमी याद आता था, तेज़ धार तलवार याद आती थी जो उसके पीछे से काफ़ी करीब आ चुकी थी, शायद और ज़्यादा करीब आती तो शरीर में घुस जाती, इसीलिए वो याद ये करता रहा। और उसके बाद उसने खेतों में जाना, बाहर जाना छोड़ दिया, घर में टॉयलेट सीट बनवाई, बाथरूम घर में बनवाया, और ये उसकी ज़िंदगी की एक अजीब कहानी थी, टॉयलेट एक भूतिया कथा। इसके बाद वो कई सालों तक अपने ससुराल नहीं गया, जब गया तब तक उसकी आदत बदल चुकी थी, वो 2 नंबर करने के लिए उस तरफ तो क्या, घूमने के लिए भी कभी उस भट्टे के करीब नहीं गया। उसके ससुर पूछते रहे, उस रात क्या हुआ था, वो सुबह के वक्त अंधेरे में क्या हुआ था, उसने कभी किसी को नहीं बताया और हमें ये कहानी लिख भेजी। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे सच मानना चाहेंगे या नहीं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच्ची है, कहानी थी बड़ी रोमांचक। ऐसी ही कहानी अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरती रहें।